भारत बनाम श्रीलंका के बीच वानखेड़े के स्टेडियम पर टीम इंडिया ने धमाकेदार अंदाज में जीत अपने नाम कर ली। भारत ने इस मुकाबले में श्रीलंका की टीम को मात्र 55 रनों पर ऑल आउट करते हुए 302 रनों से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इसी के साथ भारतीय टीम ने इस विश्व कप एक बार फिर इतिहास रचा और टीम इंडिया को वानखेड़े के मैदान पर इतिहास रचने पर मोहम्मद शमी ने मजबूर कर दिया। मोहम्मद शमी इस विश्व कप इस गेंदबाज का नंबर ही नहीं आ रहा था खेलने का, लेकिन एक मुकाबला ऐसा आया धर्मशाला न्यूजीलैंड के खिलाफ जब उन्हें मौका दे दिया गया। इस मौके का शमी ने भरपूर फायदा उठाया और 5 विकेट अपने नाम दिए। अब ऐसे ही श्रीलंका के खिलाफ भी मोहम्मद शमी ने पंजा मारा और टीम इंडिया को जीत के साथ साथ सेमीफाइनल में भी पहुंचा दिया है। अब मोहम्मद शमी ने 5 विकेट तो अपने नाम कर लिए हैं, इसी के साथ उन्होंने इतिहास भी रच दिया है। दरअसल में वो अब भारत के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के वाले गेंदबाज बन गए हैं। मोहम्मद शमी के नाम 45 विकेट है, लेकिन इस रिकॉर्ड के साथ साथ मोहम्मद शमी ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की हो। दरअसल में इस मुकाबले में मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप का दूसरा पंजा अपने नाम कर लिया इस विश्व कप का। आपको बता दें कि टोटल विश्व कप में उनके नाम 3 बार 5 विकेट हॉल है, लेकिन अब वनडे क्रिकेट में उन्होंने अपना चौथा 5 विकेट हॉल लेते हुए भारत के लिए सबसे ज़्यादा बार वनडे क्रिकेट में 5 विकेट एक इनिंग्स में लेने का कीर्तिमान अपने नाम दर्ज कर लिया है। इसके लिए उन्होंने भारतीय पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह और तेज गेंदबाज जागवल श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो यहाँ कहना गलत नहीं होगा कि क्या रिकॉर्ड तोड़ गेंदबाजी मोहम्मद शमी ने की है और कोई रिकॉर्ड उनके आगे टिक ही नहीं पाया। मोहम्मद शमी की गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने 18 रन देकर 5 विकेट 5 ओवर में अपने नाम किए, लेकिन एक वक्त था जब मोहम्मद शमी ने सिर्फ 1 रन देकर 4 विकेट लिए थे। अगर वहां पंजा मार देते तो वो सबसे किफ़ायती 5 विकेट अपने नाम करने वाले गेंदबाज भी बन जाते, लेकिन जितना मिला है उतने में मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी खुश रहे होंगे क्योंकि उन्हें मिला भी तो पूरा आसमान है। इस खबर में इतना ही, बने रहिए वन इंडिया के साथ।